And this movie is so brilliant. The sky is pink. Let your sky be any color. Alright guys, so after having this adbhut chhole bhature, हमें जो है नींद थोड़ी थोड़ी आने लगी. Comment down below. And usually ऐसा हुआ कि daily के quantity से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, क्योंकि हमें जो है ये सब चीज़ें थोड़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और ऐसे भी हम जो है खाने के अद्भुत दीवाने से हैं, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट या आई हैड nearly 4. सो anyways, welcome back to my YouTube channel, guys. I hope you are doing absolutely wonderful in your life by ignoring negativity and by accepting positivity and by being thankful to Almighty for whatever you have in your life. आज का तारीख है 11 अक्टूबर 2019, शुक्रवार है, and the temperature is 32 degree Celsius. So comment down below, कितने लोगों को मतलब you know खाना खाने के बाद थोड़ी थोड़ी नींद आती है. अब ये मुझे समझ में, अगर आप कम सोते हैं तो शायद खाना खाने के बाद आपको नींद आ सकती है, या बहुत ज़्यादा मतलब अपने डिसेंट क्वांटिटी से अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो भी नींद आएगी. वैसा एडिट वगैरह सारा कुछ हो गया मेरा. नो आई एम रेडी टू गो टू द क्लास. एंड बाय द वे वी आल्सो हैव रिसीव्ड दिस निंटेंडो स्विच. तो आज जो है मैं कार से जा रहा हूँ. कार से मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि उसका दो वजह है. एक तो ये निंटेंडो स्विच है, श्रेष्ठा निकल गई ऑडिशन के लिए, सो आई कांट गो लाइक अकेले ये चीज़ लेके. और दूसरा वजह ये है कि हमें हमारे पिताजी ने थोड़ा डरा दिया है. वो ये है कि वो कह रहे हैं कि 15 साल हो गया तुम्हारे बुलेट का, पुलिस पकड़ेगा तो छोड़ेगा नहीं. तो गाड़ी का जो है री रजिस्ट्रेशन कराना है. मैंने RTO ऑफिस में बात किया है, तो 15 साल हमारे बुलेट का कंप्लीट हो गया. अब बिहारी बुलेट जो है वो महाराष्ट्रियन बुलेट बन जाएगा. एंड देखते हैं कैसे कैसे ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कब क्या कैसे होता है. अभी तक तो मैं नंबर लगा रहा हूँ. अंधेरी कॉल लगाया तो दही सर का नंबर दिया गया है. लेट्स सी क्या कैसे होता है. सो फर्स्टली लेट्स गो टू द क्लास. सीमा जी इज ऑलरेडी देयर. एंड यो आई हैव टू शेड्यूल द ब्लॉग एज वेल. आई हैव बीन शेड्यूल्ड इट ऑल्सो. कार का इंश्योरेंस का जो है वो आई एम जस्ट गेटिंग इट, मतलब सर्च कर रहा हूँ विच वन टू टेक. पहले न्यू इंडिया का फाइनलाइज किया था, अभी टाटा AIG का. 14 अक्टूबर तक है हमारा इंश्योरेंस वैलिड कार का, तो उसको भी करना है. मेरे हार्ले का भी टाटा AIG का ही है. सो 90% चांसेस आर कि आई विल बी गोइंग फॉर टाटा AIG. सो AIG, सो लेट्स गो. एंड आज जो है हमारे घड़ी के चार्जर का हमें ये भी खरीदना है, 3 पिन एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं. सो लेट्स गो. Alright guys, so the time of date is 7:20 PM over the 32 degree Celsius. So मुझे बहुत बुरा लग रहा है, कल मैं अपने घड़ी को इतना बुरा 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 बोल दिया. अपने तो देख ही लिया क्या हुआ था, ये जानवी को पता नहीं है. जानवी अभी तक ब्लॉग देखी नहीं, क्योंकि ब्लॉग अभी तक लाइव ही नहीं हुआ है, क्योंकि ये कल और आज वाला कहानी. जिस चीज़ का मैं बात कर रहा हूँ वो कल है, लेकिन आप जो इसको देख रहे हैं वो कल का बात है. तो इट्स जस्ट लाइक अ कन्फ्यूजन. 7:30 का स्काई इज पिंक. 7:30 को द स्काई इज पिंक हो जाए तो ठीक है. द स्काई इज पिंक. जानवी मुझे नहीं आई पहनने वो पिंक. सो जल्दी से भागा गया. जानवी थोड़ा लेट आई इस वजह से. मैं लेट नहीं आई, आई वाज हियर. हां ओके 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 ओके. सो यस लेट्स गो. लेट्स सी कितना टाइम पे पहुंच पाते हैं. नहीं पार्किंग का भी इशू है और ट्रैफिक का भी. Alright guys, few points which I wanted to share with you. अभी गाड़ी हमारी बैक हो रही है, इधर देख लीजिए कैमरा जो है ये चल नहीं रहा है. सो वन इशू नोटेड इन द कार. एंड सेकेंड इशू कि मुझे वाइपर बदलना है. आप लोगों ने अभी तक ट्रिप का वहाँ तक पहुँचा नहीं है, लौटते वक्त ये पता चला था कि वाइपर जो है वो ख़राब हो चुका है.
दो इशू, देन पावर विंडो वाला इशू है जो ऊपर नहीं जाता है, एक अच्छे से सर्विसिंग चाहिए गाड़ी को, एंड एक जो है ना अच्छा सा वॉशिंग भी चाहिए अंदर बाहर सब। तो गाड़ी को हमें देना है सर्विसिंग में, गाड़ी का इंश्योरेंस भी कराना है, जो कि आज ये देखिए नॉट वॉकिंग ऑन द आज मोस्ट प्रोबेबली जो है आज हो जाएगा। सो ये सर आपको अपडेट देना था। गाड़ी जो है अभी खाना पीना खाने के मूड में आ गया है, एंड सो यो इट्स ओके, हम लोग डेली खाना खाते हैं, हमारी गाड़ी तो गाड़ी भी जब चलती है तभी खाती है, बस इतना सही अंतर, ऐसे बैठे बैठे भी खाती है देखा जाए तो। अगर इंश्योरेंस का चीज़ कैलकुलेट करें, यू नो गाड़ी के EMIs होते हैं उसको भी अगर कैलकुलेट करें तो गाड़ी भी रोज खाती ही है पैसा इन अ वे। सो यो बट आई लव दिस कार अल्टीमेट कार। सो बिफोर द नेक्स्ट बिग राइड विच आई एम प्लानिंग ऑन 16-32 लगभग 4000 किलोमीटर का राइड दिमाग में है, यू नो इट गाइस, रामेश्वरम कन्याकुमारी एंड ऑल। सो उससे पहले जो है मतलब ये चीज़ सफाई कराना होगा, एंड बाय द वे द टाइम इज ऑलरेडी द टाइम इज ऑलरेडी 7:40 भाई, ओह माय गॉड, सो माय गॉड, लेट मी सो सो लुक एट माय गॉड। रीच ऑन टाइम, 2 मिनट में ऐसा लग रहा है कि पहुंच जाएंगे, बाजू में ही आए उधर। सो बेसिकली द थिंग इज आई पार्क्ड माय कार हियर। एक्चुअली रूल्स जब से ये आ गया है कि कार अगर गलत जगह पे पार्क करोगे मतलब तो आपकी गाड़ी को टो करके ले जाया जाएगा, एंड 15 या 20 हज़ार जैसा कुछ फाइन वगैरह लगेगा। तब से थोड़ी सी जो है मन में डर हो गई है, 15-20 नहीं शायद 25-30 है, बाइक पर 10 या 15 हज़ार है कुछ तो है, 5 हज़ार जैसा तो उससे ऊपर ही है। बट एनीवेज लेट्स नॉट फिकर अबाउट बाद में क्या होगा, लेट्स रन एंड बिकॉज द स्काई इज पिंक। सो यो मुझे इमोशनल हुई नहीं कि वहां पांडा ब्लैकमेल हो जाते थे, मूज की पूंछ थे पांडा क्यूट। So alright guys, it's 8:47 PM. अभी इंटरवल हुआ है। ऑल आई कैन से दिस मूवी इज़ सो ब्रिलियंट दैट यू नो हर एक 5 मिनट, हर एक 10 मिनट में इट्स लाइक ऐसा लग रहा है कि अब क्या होने वाला है। एक एक चैप्टर इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, एंड दिस मूवी इज़ लिटरली सो इंटरेस्टिंग। सो आई एम तो एन्जॉइंग इट। आर यू एन्जॉइंग दिस मूवी? Very nice movie. It's also related to your, you know, the life, and must watch. I'll say it. Brilliant direction by Sonali Bose. Farhan Akhtar is a damn great actor, and Priyanka Chopra ji, to hamari Bihar se hain, Bareilly. So nothing like I'm being partial. Indian I am sab log, but yes, still. Basically, Janvi पीछे कुछ ले रही है खाने के लिए, तो मैंने बोला अगर मैं नहीं खाऊंगा तो आप घर पैक करके ले जाएगा। Enjoy your new fridge and ओवन। तो उसने बोला कि ऐसा तो कभी होगा नहीं, एंड दिस मूवी इज सो ब्रिलियंट, द स्काई इज पिंक, लेट योर स्काई बी एनी कलर। 5% कॉपर बिजली बचाए, एडवांस पीवीसी कोटिंग फायर से बचाए, सिस्का वायर लाइट इयर्स Brilliant movie it is. I just want to say why it's brilliant, because it's on the most beautiful topic of the life, which is life and death, and it's based on, you know, real story. Aisha Chaudhary is a girl whom you can YouTube or Google it. YouTube पे आप उनका TEDx का video देखिए, and just one word, brilliant. Janvi, your review? Very nice. मैं कहूँगा please do watch it. Especially I would like to suggest बड़ी दीदी एंड जीजा जी, यू प्लीज़ वॉच इट। और जितने भी लोग अगर मतलब यू नो मुंबई या ऐसे शहर से देख रहे हैं जहाँ पर कि ये मूवी देखना पॉसिबल आपसे, तो प्लीज़ डू वॉच इट, दिस इज़ वर्थ, 100% वर्थ। आई बिलीव दिस शुड बी द स्टैंडर्ड ऑफ इंडियन सिनेमाज, एंड बस और क्या। अगर जोकर देख सकते हैं तो इसको भी देखिए, दिस इज फुल ऑन पॉजिटिव मूवी। लव मुंबई कॉन्टैक्ट इतना फॉर दिस इज लाइक
future to add. So this is something which I saw unique. मैंने पहले नहीं देखा था तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर कर लूं. Digital ad. Nice. मतलब digital display ad on Ola cabs and all. Alright guys, that was all for this vlog. This is the next morning and the most interesting thing is ki I woke up very early. It's just 10:48 a.m. 12th of October. It is 2019, yes, of course, Saturday, and the temperature is 32 degrees Celsius. It's partially cloudy. So I would just like to say about Zaira Wasim. She's such a brilliant actor, actress. I can say actor because she is a character artist. And what brilliant और ये movie जो है मतलब उन्हीं पर है पूरा मतलब podcast portray and all the story and मुझे काफ़ी बुरा लगा ये जान के कि she stopped acting. But literally amazing. And Sonali Bose ji, such a fantastic director, says. And I believe जब भी real story पर जो भी movies बनती हैं वो actually खूबसूरत ही होती है. जैसे आप चाहे Super 30 ले लो या फिर आप केसरी ले लो या कोई भी ऐसी movies जो real story पर बनती है, दे आर एक्चुअली भाग मिल्खा भाग ले लो, मैरी कॉम ले लो, एनी मूवीज विच इज़ फ्रॉम रियल स्टोरी. बिकॉज यही सारी चीज़ें हैं जो मतलब हमें विच कैन एक्चुअली रियली मोटिवेट अस. एंड सो ब्यूटिफुल मूवी. आफ्टर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम आई लिटरली लव द मूवी लाइक एनी थिंग. एंड मैं तो सबको रिकमेंड करूँगा, प्लीज़ डू वॉच इट. वर्थ every time whatever you will be investing and whatever money you will be investing. So yes guys, that was all for this vlog. Tab tak leke spreading love and happiness, ignore negativity, accept positivity, be thankful to almighty for whatever you have in your life, have a dream, keep on chasing it, keep on questioning yourself ke jo kuch bhi aapko aapke zindagi mein chahiye, kya aap us cheez ko sach mein paane ke liye dil se mehnat kar rahe hain, yes ya no. Agar nahi kar rahe hain to kijiye, aur agar aap kar rahe hain to samajh jaiye aap har roz success ki or badh rahe hain. और जहाँ तक भी आप खुद को देखना चाह रहे हैं, कीप ऑन क्वेश्चनिंग वन थिंग कि क्या आप उस जगह तक पहुँचने के लिए आज सच में डिजर्विंग है, यस एंड नो. अगर नहीं है तो वर्क हार्ड लाइक हेल एंड टर्न इनटू दैट डिजर्विंग पर्सन. ट्रस्ट मी, अनटिल एंड अनलेस यू विल बी टर्निंग इनटू दैट डिजर्विंग पर्सन, कभी भी कुछ नहीं होने वाला है. सो यस, द डे यू विल बी टर्निंग इनटू दैट डिजर्विंग पर्सन, गॉड विल ट्रूली गिव यू व्हाटएवर यू विल बी डिजर्विंग फॉर. क्योंकि ईश्वर हमें वही देते हैं जो हम सच में डिजर्व करते हैं. तो बस हमें जो है खुद को डिजर्विंग बनाना है, मेहनत करना है, खुशियाँ बांटना है, प्यार बांटना है, बुरे सोच से लड़ना है, बुरे सोच को जितना हो सके इग्नोर कीजिए, खुशियाँ बांटिए, प्यार बांटिए. एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग एंड इन हैशटैग से एंड यस, आई एम सो हैप्पी माई ऑल द चैनल्स आर लाइव नाउ. अब मैं सुबह उठने का भी पहल कर चुका हूँ. सो डेली सोशल मीडिया पोस्टिंग ऑफ SFM एंड आई हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पिक्स आल्सो ऑफ द टूर जो सॉरी ऑफ द ट्रैवल जो हमने किया. तो इंस्टा पे भी मैं अभी काफ़ी सारा फोटोज़ पोस्ट करने वाला हूँ. तो जितने लोग हमारे इंस्टाग्राम से कनेक्टेड नहीं है, यू कैन डू चेक मी आउट. जस्ट टाइप माई एग्जैक्ट चैनल का जो नाम है, मतलब जो मेरा नाम है, एंड आई विल बी देयर. सो या सी. माय क्रॉक्स, माय ट्राउजर, ये मेरा नाड़ा, ये मेरा टी शर्ट, ये मेरा बोस का टिंगटिंग, ये मेरा टिंगटिंग, ये मेरा टिंगटिंग, ये मेरा टिंगटिंग, ये टिंगटिंग, ये टिंगटिंग. अच्छा, आज भी ऑलमोस्ट हम लोग ट्यूनिंग कर रहे हैं, राइट? ट्यूनिंग नहीं, ट्विनिंग. फिर ट्यूनिंग वाला.